नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 लाइव सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ खास खबरों पर। जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न कराने एवं प्रतियोगी छात्रों व आम जन मानस से किसी की उकसाने व बहकावे में आकर कानून को हाथ में न लेने की अपील की गई। प्रयागराज से संवाददाता राजीव की खास रिपोर्ट। देखिए, जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत काफी संख्या में फोर्स लगाया गया है। कई कंपनी PSC, पैरामिलिट्री, हमारे जिला पुलिस के जवान और जिलों से फोर्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन के आसपास फोर्स लगाई गई हैं। करीब 11-12 रेलवे स्टेशन हैं छोटे बड़े मिला के हमारे शहर में, तो सभी पे फोर्स लगा दी गई है। सभी पे मजिस्ट्रेट और पुलिस के ऑफिसर गश्त कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाली गलियों पे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। और सबसे ऊपर बात है कि प्रयागराज ज़िले में चूँकि पहले भी इस तरह की छिटपुट घटनाएँ हुई थी और सभी हमारे प्रतियोगी छात्रों को और तैयारी करने वाले छात्रों को ब्रीफ किया गया था, उनको बताया भी गया था कि ये हिंसा का रास्ता ठीक नहीं होता है, उससे मुकदमे दर्ज होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और आगे करियर और भी ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात है कि इस मामले में जो भी सरकार है या जो भी केंद्र सरकार है उसमें फैसला लेती है और छात्रों के हित में ही लेती है, प्रतियोगी छात्रों के हित में, तो अपना कार्य किया जा रहा है। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के उकसावे में बहकावे में ना आए और अपना संयम बना के तैयारी करते रहें, जो होगा अच्छा होगा और कानून को हाथ में कतई ना लें। जुमे की नमाज को लेकर भी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। कल भी फोर्स डिप्लॉय किया गया, फ्लैग मार्च किया गया। पिछले जुमे के बाद से अब तक 97 गिरफ्तारियों की सूचना आई थी, क्या वो गिरफ्तारियों की संख्या कुछ बढ़ी है? कुछ जो पोस्टर्स आपने लगाए थे उसमें कोई सफलता हासिल हुई? देखिए, 97 गिरफ्तारियों के बाद क्योंकि 5,000 से भी ज़्यादा अज्ञात उसमें नाम दर्ज हैं और एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि किसका ज़्यादा दोष है, किसका कम दोष है, कौन गिरफ्तारी के काबिल है, उस आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। अभी पूछताछ जारी है, विशेष बात होने पे, कोई हार्डकोर क्रिमिनल मिलने पे, सीटर इत्यादि मिलने पर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल चूँकि आज जुमा की नमाज को सक्षर संपन्न कराना है तो सारा ध्यान इधर केंद्रित किया गया है और किसी बेकसूर पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी, बेकसूर को जेल नहीं भेजा जाएगा। इसी थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं और किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कानून को हाथ में ना लें और पुलिस आपकी मदद के लिए है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।